नमस्ते, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर जो ज़ॉर्बोनिक का गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस है उसका कॉम्बो का रिव्यू लेके आपके सामने हाजिर है, तो वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले भाई सब बात कर लेते हैं इस कीबोर्ड का प्राइस क्या है। 1200 रुपीज़ के आसपास आपको दोस्तों जो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन के ऊपर ये जो कीबोर्ड है देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो कीबोर्ड है दोस्तों रियल मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, पहले मैं आपको बोल दे रहा हूँ, बट यहाँ पर जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, टाइपिंग एक्सपीरियंस मेरे को काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। ये जो कीज है दोस्तों जो मिम बैरिन कीज होता है दोस्तों वही कीज हमें देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर ओवरऑल एक ग्रेट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बट आपको जो रियल मैकेनिकल कीज है उसकी तरह तो फील डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है मेरे को काफ़ी देखने को बढ़िया मिला। यहाँ पर हमें 3 अलग अलग जो है RGB लाइटिंग मोड देखने को मिल जाती है। इसका जो ब्राइटनेस है LED का उसे भी आप घटा बढ़ा पाओगे। यहाँ पर आप जो कैप्स लॉक, नंबर लॉक कीज है ये भी हमें देखने को मिल गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर आप ओवरऑल देख सकते हो अपना जो कीबोर्ड है रात के टाइम देखने में तो काफ़ी कातिल देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये जो कीबोर्ड है काफ़ी सही है। स्पेस बार का जो स्पेस है काफ़ी बढ़िया है। दोनों कीज के बीच में जो स्पेस हमें देने को मिला है ये भी काफ़ी बढ़िया देने को मिल गया है। यहाँ पर जो रूपी की है वो इंटरनेट हमें मतलब रूपी की भी हमें यहाँ पर इस कीबोर्ड के अंदर देने को मिल गया है। टोटल यहाँ पर 104 कीज देने को मिलता है। यहाँ पर हमें एंटी गोस्टिंग देने को मिलता है 19 कीज के अंदर। हाँ दोस्तों, अगर बात करूँ यहाँ पर माउस की तो यहाँ पर हमें ब्रेथिंग LED का जो फीचर्स है वो हमें माउस के अंदर देने को मिलता है। कॉम्पैक्ट डिजाइन है एंड यहाँ पर जो है हमें ऑप्टिकल सेंसर यूज किया गया है। डेडिकेटेड बटन दिया गया है DPI के लिए एंड बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए भी बटन देने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें दोस्तों जो ब्रेडेड केबल भी देखने को मिल जाती है। गोल्ड प्लेटेड USB बार भी हमें मतलब USB भी देखने को मिलता है। यहाँ पर टोटल हमें 6 बटन देखने को मिल गया है एंड यहाँ पर जो केबल का लेंथ है 1.8 मीटर है। USB अपना जो USB माउस है इसका जो वेट है 120 ग्राम का है, सो इतना भारी भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है मेरे लिए एंड आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस ओवरऑल इस माउस के साथ देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड डेफिनेटली दोस्तों ये जो माउस है काफ़ी सही माउस है एंड ओवरऑल मेरे को तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एंड इसका जो इफेक्ट है, लाइटिंग इफेक्ट है, वो भी काफ़ी मेरे को सही लगा है। ओवरऑल दोस्तों ये जो माउस है इसका जो काम है बराबर तरीके से कर रहा है, कोई भी इशू वाली बात मेरे को नहीं लगी है। अगर बात करूँ पैकेजिंग की तो फ्लिपकार्ट के अंदर ये जो पैकेज है दोस्तों लगभग मेरे को 3 दिनों के बाद डिलीवर हुआ है एंड पैकेजिंग की बात करूँ काफ़ी सही है। बबल रैप के साथ हम देखने को मिल गया है एंड बॉक्स के अंदर जो की स्पेक्स है वो अच्छे से लिखा गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड जो डिलीवरी हुआ है वो 3 दिन का डिलीवरी है, थोड़ा सा स्लो डिलीवरी है बट कोई बात नहीं, आपको कुछ इस तरह से पैकेजिंग के साथ है जो कीबोर्ड है देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा की जो है देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर दोस्तों जो केबल का लेंथ है आपको 1.8 मीटर का है एंड जो आपको यहाँ पर जो केबल है काफ़ी सही है, मेरे को तो काफ़ी पसंद आया है। ये जो माउस है ये भी मेरे को काफ़ी पसंद आया है। आपको यहाँ पर 2-स्टेप स्टैंड देखने को मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। एज वेल दोस्तों यहाँ पर आपको लेजर की लैप्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है अपने कीबोर्ड के अंदर एंड यहाँ पर जो गोल्ड प्लेटेड आपको जो है USB केबल देखने को मिलता है। नॉर्मल माउस एंड हमारा जो गेमिंग माउस है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, इसके अंदर ज़्यादा 2-3 ज़्यादा बटन्स देखने को मिलता है। एज वेल आपको यहाँ पर जो इफेक्ट है LED इफेक्ट है वो देखने को मिल जाती है एंड दैट्स वेरी मच इट। एंड यहाँ पर हमने जो अपना लैपटॉप है, लैपटॉप के साथ अपना जो माउस है इसे यहाँ पर मतलब यूज़ कर पा रहे हैं हम, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। आपको जस्ट प्लग एंड प्ले करना है, जस्ट प्लग करके छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली आपका जो माउस एंड कीबोर्ड का ड्राइवर है इंस्टॉल हो जाएगा आपके लैपटॉप के अंदर, कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। ओवरऑल मेरे को तो काफ़ी सही लगा है एंड आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड ये जो कीबोर्ड है इस कीबोर्ड का अगर आप परचेस करना चाहते हो तो इस कीबोर्ड का जो लिंक है परचेस लिंक और जो बेस बाय लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, हमारे लिंक से आप परचेस कर लेना तो थोड़ा बहुत दोस्तों मदद हो जाएगी इस चैनल के ऊपर। एंड आपको जो केबल है काफ़ी बड़ा केबल देखने को मिल जाती है, सो केबल मैनेजमेंट आपको अच्छे से करनी होगी। एंड ओवरऑल दोस्तों ये जो कीबोर्ड है एंड ये जो माउस है इसे मैंने क्यों खरीदा, इसके पीछे जो मेन रीजन है, और एक हमें कीबोर्ड देने को मिला था सेम कंपनी ज़ेब्रोनिक की तरफ से बट उसे मैंने नहीं खरीदा, उसके अंदर मेटल का बिल्ड है बट ये वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ओवरऑल रात के टाइम ये जो देखने में और बहुत ही धांसू लगता है, बहुत ही फाड़ू लगता है। डेफिनेटली दोस्तों अगर आपको एक RGB वाला एक कीबोर्ड एंड माउस चाहिए जो कि आपका जो ओवरऑल डेली लाइफ के अंदर आप काम कर पाओ, टाइपिंग कर पाओ, गेमिंग कर पाओ, अगर आप गेमर हो डेफिनेटली ये जो आपको कीबोर्ड एंड माउस है काफ़ी बढ़िया देने को मिलेगा। एंड सस्ता है, अच्छा है, प्रीमियम क्वालिटी का है एंड आपको एकदम चीप जो है फील डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगा, आपको ओवरऑल काफ़ी बढ़िया जो है एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा इस कीबोर्ड के साथ। एंड डेफिनेटली तो ये जो कीबोर्ड है आपको परचेस करना चाहिए एंड काफ़ी सही कीबोर्ड है, मेरे को तो काफ़ी सही लगा है। जो जो फीचर्स है जैसे कि गोल्ड प्लेटेड है, उसके बाद जो केबल काफ़ी बढ़िया है 1.8 है, आपको यहाँ पर जो है मल्टी कलर LED देखने को मिल जाती है एंड आपको जो वाईफाई
सॉरी वाई फाई वाई से आपका जो विंडोज की है उसे भी आप डिजेबल एनेबल कर सकते हो। रूपी की आप इंटरनेट दिया गया है, इसके बाद जो फंक्शन की है उसका ऑप्शन है, आप मीडिया कंट्रोल कर पाओगे। F1 की को प्रेस करके आप चाहो तो अपना जो मीडिया है उसे भी कंट्रोल कर पाओगे। ये सभी जो ऑप्शन है काफी सही ऑप्शन देखने को मिल गया है। एनीवे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।